हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G73 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटो का ही एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो का G62 5G, इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के G73 5G को 18,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G को 16,499 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2,500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि 2,500 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के G73 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2,500 रुपीज कम खर्च करके मोटो परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोटो का G73 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 930 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में अपने-अपने प्राइस में बेस्ट हैं, पर जब बात आती है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से खासकर परफॉर्मेंस के मामले में कौन सा स्मार्टफोन आगे निकल जाता है, तो मोटो का G73 5G परफॉर्मेंस के मामले में मोटो का G62 5G से बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो यहां पर भी मोटो का G73 5G मोटो के G62 5G से आगे निकल जाता है, क्योंकि मोटो के G73 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 434,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 4,04,000 के आसपास का निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर हो गई, परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो का G73 5G मोटो के G62 5G से बेटर हो जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 2,500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले के साइज में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मोटो के G73 5G में भी 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में भी 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मोटो के G73 5G में बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो मेगापिक्सल में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के अपर्चर में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटो के G62 5G में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G73 5G में भी 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। मोटो के G62 5G के सेल्फी कैमरे का अपर्चर कम है, इसीलिए खासकर सेल्फी के मामले में मोटो का G62 5G बेटर हो जाता है मोटो के G73 5G के सेल्फी कैमरे से। दोनों स्मार्टफोन का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस में भी आप लोगों को मोटो के G62 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G73 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस का फीचर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटो के G73 5G में भी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30W के टर्बोफास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G62 5G में भी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर मोटो के G62 5G में सिर्फ 20W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मोटो के G73 5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G62
5G में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। प्राइस में 2500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर मोटो के G73 5G का प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर हो जाता है मोटो के G62 5G के प्रोसेसर के मुकाबले में। वही इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कम प्राइस होने के बावजूद भी मोटो के G62 5G का सेल्फी कैमरा मोटो के G73 5G के सेल्फी कैमरे से बेटर हो जाता है। ज्यादा फास्ट चार्जिंग आप लोगों को मोटो के G73 5G में देखने को मिल जाती है, जो कि मोटो के G62 5G में सिर्फ 20 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी गेमिंग के लिए थोड़ा और अच्छा प्रोसेसर लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो के G73 5G की तरफ जाना चाहिए, पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अभी भी मोटो के G62 5G को बाय करें। अभी भी मोटो के G62 5G का प्राइस 2500 रुपीज कम है, और इस प्राइस में अगर देखा जाए तो मोटो का G62 5G एक अच्छा स्मार्टफोन है।